सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में शुरू होने वाले लीप आईटी एग्जीबिशन में दुनिया के 90 ममालिक से आईटी की सैकड़ों कंपनियां शरीक हैं, जिनमें 30 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं, जो कि इस नुमाइश का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। पाकिस्तानी आईटी कंपनियों के पवेलियन का अफ्ताह सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर बल अकबर ने किया और पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल का जायज़ा लिया और पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदगान को नुमाइश का हिस्सा बनने पर सराहा और कहा कि इससे आईटी के शोबे में पाकिस्तानी कंपनियां बेहतर अंदाज में मुतारफ होंगी और जिस तरह पाकिस्तान इंफॉर्मेशन के शोबे में आगे बढ़ा है, इससे पाकिस्तान के ज़ेरे मुबादला में भी इजाफा होगा। इस रीजन में एक बड़ी आईटी की एग्जीबिशन है जो हो रही है, इसमें 90 मुल्कों से कंपनीज़ आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। पाकिस्तान से ये TDAP और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा, इन्होंने इसको कंपनीज़ को इकट्ठा किया और इधर हमारे तरफ भिजवाया। यहाँ पे पाकिस्तान से 25 कंपनीज़ हैं और 15 स्टार्टअप्स हैं जो इधर आए हैं और अच्छी बड़ा हमारा स्टॉल है, इधर 3 बड़े स्टॉल्स में से एक है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो इतनी बड़ी हमारी नेशनल लेवल पे एफर्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो ये भिजवाया गया और जो स्टॉल है और जो जिस तरीके से दुनिया आ रही है स्टॉल पे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके जाएंगे और पाकिस्तान को बहुत सारा बिजनेस इधर से मिलेगा इंशाल्लाह। नुमाइश में शरीक पाकिस्तानी आईटी कंपनियों की जानिब से सऊदी हुकाम की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात को सराहा और कहा कि इससे सऊदी अरब समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ आईटी के शोबे में तावुन बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और क्रेडिट जाता है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को, जिन्होंने जो ट्रेड मिशन रियाद है उनके कहने पर सऊदी अरब को फोकस किया है। सऊदी विजन जो है 2030 और जो आप लोग नाम सुनते हैं नियोम कितिया और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर जो 90% बिजनेस है आईटी से मुतल्लिक वो हमारे पड़ोसी ममालिक ले जाते हैं। ये पाकिस्तान पहली दफ़ा इन बिग वे आया है एंड आई एम श्योर कि ये यहाँ पर इस सारी चीज़ को बिजनेस लेने के हवाले से अपनी एफर्ट्स करेंगे। आई थिंक यहाँ पर जिस किस्म के लोग विज़िट कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ है, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। हम जो सर्विसेज प्रोडक्ट यहाँ की डिजिटलाइजेशन के लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तानियों के लिए। नुमाइश को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में सऊदी और गैर मुल्की शहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। लीप आईटी नुमाइश 3 रोज़ तक जारी रहेगी। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद वीडियो से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली अपडेट से आप आगाह रह सकें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।